हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपिका व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मिंत्रा एडो फ्रिजन सेल से। मैंने भर भर के शॉपिंग की थी। थोड़ी सी शॉपिंग आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी साइड पे। बहुत सारी शॉपिंग मैंने की थी गाइस मिंत्रा एडो फ्रिजन सेल से, और जो कि 31 जनवरी को सेल जो है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अभी तक रिसीव हो रहे थे तो मैं इसका व्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। बट गाइस, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है, आपको पसंद आ जाता है, देन आप उस केस में उस प्रोडक्ट को अभी भी बाय कर सकते हो मिंत्रा से। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी मैं। अगर आपको चाहिए कि सेल पे ही आपको परचेज करना है, देन आप उसको कार्ट में ऐड करके रख लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक आउट बहुत जल्दी हो जाता है प्रोडक्ट। जैसे ही मिंत्रा पे सेल आएगी तो आप उसे बाय कर सकते हो, क्योंकि मिंत्रा पे सेल आती रहती है। सो गाइस, चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सीजन सेल से, वो मैंने लिया था गाइस, ये हॉट वाटर बॉटल है। ये दो का कॉम्बो मैंने लिया था एंड मुझे काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल गया था। एक्चुअली ये मेरी और मेरे मॉम दोनों के ही विंटर्स में ना बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। आपको पता ही गाइस, आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी, तो उसके से मैंने ये दो का कॉम्बो मंगा लिया था। काफी अफोर्डेबल मुझे पड़ गया था ये। सो फर्स्ट दिस परचेजिंग मैंने की है। उसके बाद गाइस, मैंने वहां से लिया दो लोअर्स का सेट। एक्चुअली मुझे ट्रैक पैंट्स चाहिए थे कॉटन में। अभी विंटर्स ऑलमोस्ट जाने वाली है तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है कि मैं अभी परचेजिंग कर लेती हूँ। तो मैंने दो लोअर्स का, दो ट्रैक पैंट्स का कॉम्बो मंगाया था गाइस। एक था ये वाला, ये ग्रे कलर में है इस तरीके से, एंड इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है गाइस। सो ये कुछ ब्लिंकिन ब्रांड से है एंड ये इसका मटेरियल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैंने एक ये बाय किया है गाइस। फुल लेंथ है ये इस तरह से। इन सबके ट्रायोन्स एंड सबकी इमेजेस मैं आपको स्क्रीन पे देती जाऊंगी आपके रेफरेंस के लिए। तो फर्स्ट उसका में ये वाला कलर था डार्क ग्रे कलर, एंड जो सेकंड कलर जो गाइस मैंने पिक किया था उस सेल में से, तो वो ये वाला था। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। ये कलर बहुत सोबर है, पॉकेट्स दी हुई है दोनों तरफ से, एंड आप इसका यहाँ पे आपको डोरी मिल जाएगी, आपको लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया हुआ है, एंड ये भी आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। सो ये मैंने कॉम्बो वहां से लिया था, ये मुझे काफी अच्छे प्राइस पे मिल गया था, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो गाइज मैंने वहां से पिक किए हैं, मैंने एक्चुअली अपने लिए शूज मंगवाए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने शूज मंगवाए थे गाइज प्यूमा के, एंड काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिल गया था। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वाला चूज किया है। मैंने मंगवाए थे गाइज ये वाले शूज, एज यू कैन सी ये ग्रे कलर में है, एंड यहाँ पे आपको प्यूमा का लोगो भी मिल जाएगा, एंड ये लेसेस वाले शूज हैं, एंड काफी अच्छे लगे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना गाइज, अगर आप ब्रांड की कोई भी चीज ले रहे हो, सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि बहुत लाइट वेट होते हैं, मतलब इतना मतलब पता भी नहीं चलता आपको। सो ये काफी अच्छे लगे, क्वालिटी वाइज मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। तो नेक्स्ट मैंने ये वाला शू पिक किया है गाइज प्यूमा से। उसके बाद गाइज मैंने वहां से मामा अर्थ के भी कुछ प्रोडक्ट लिए थे। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैंने मामा अर्थ की वेबसाइट से इसे बाय किया है, मिंत्रा से नहीं किया है। बट आप मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी पोर्टल से आप अपने लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मैंने मिंत्रा की वेबसाइट से इसलिए किया है गाइज, मैं आपको उसका रीजन बता देती हूँ। मैंने वहां से बाय किया है सबसे पहले तो गाइज ये वाला कोको टिंटेड नेचुरल लिप बाम मामाअर्थ का। अब आपने मेरा अगर लास्ट लुक चेकआउट किया होगा तो आपको पता होगा गाइज कि मैं ना इनके ऑलरेडी जो इसका रोज टिंटेड वाला लिप बाम है वो यूज करती हूँ, डेली यूज करी, मेरा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। सो मुझे इनका दूसरा वेरियंट ट्राई करना था कोको लिप बाम, तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था एंड इस तरीके का ये दिखाई देता है। मैं आपको इसका एक बार टिंट दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये बहुत ही लाइट सा आपको टिंट देता है, बहुत लाइट सा, और लिप्स को हाइड्रेट रखता है नो डाउट। मैंने इसका रोज टिंटेड वाला यूज किया है तो मुझे काफी अच्छा लगा था ये प्रोडक्ट, तो मैंने ये भी बाय कर लिया। इसका लिंक अलग से भी आपको चाहिए तो आप मामा का कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल या फिर मिंत्रा से ले सकते हो, बट मैंने इसे मामा की वेबसाइट से मंगाया। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये वाला प्रोडक्ट है गाइस, दूसरा मैंने ट्राई किया है वहां से कोको बॉडी वॉश, ये भी मैंने उसी वेबसाइट से ही लिया था। सो ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कोको वेरिएंट के जो प्रोडक्ट होते हैं ना मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं गाइस, काफी अच्छे रहते हैं स्किन के लिए। सो मैंने इसका बॉडी वॉश सोचा कि मैं चलो ट्राई करती हूँ। अब इन दो प्रोडक्ट के साथ मुझे क्या फ्री मिला वो मैं आपको बताती हूँ। सो मुझे तीन चीजें फ्री में दी गई है मामा अर्थ की तरफ से ही, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है गाइस वो है
उपटन रेंज का बॉडी लोशन, ये उन्होंने मुझे फ्री दिया है। ये ट्रायल पैक है गाइज, नो डाउट ये ट्रायल पैक है, आप देख सकते हो। एंड ये काफी अच्छा है, काफी सही है ट्रैवल के लिए। अगर आप ट्रैवल के टाइम इसे यूज करें, लेके जाना चाहें, तो आप इजिली कैरी कर सकते हो। सेकेंड उन्होंने मुझे दिया है उपटन फेस मास्क, ये भी ट्रायल पैक है गाइज। एंड थर्ड जो मुझे फ्री मिला है वो है उपटन फेस वॉश। सो ये तीन चीजें मुझे मामाअर्थ की फ्री में मिली है गाइस, क्योंकि मैंने उनको वेबसाइट से ऑर्डर किया था, तो 500 के ऑर्डर पे मुझे जो है ये तीन चीजें फ्री मिल गई। इन केस आप ट्राई करना चाहो, उपटन रेंज है ये इनकी, उपटन रेंज इनकी काफी अच्छी है। काफी यूट्यूबर्स को मैंने देखा है इनका जो है ऐड करते हुए, प्रमोट करते हुए। सो मुझे तीनों चीजें मिल गई। आप ये ट्रायल पैक वैसे भी बाय कर सकते हो वेबसाइट से, अगर आपको पसंद आता है ना, आप इसके बड़े वाले वर्जन पे जा सकते हो, बड़ा वाला पैक मंगा सकते हो। बट मैं इसे ट्राई करूंगी, मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने इसे रिसीव किया है। एंड मैं ट्राई करके आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सो ये हो गया मेरा मामाअर्थ का शॉपिंग। नेक्स्ट गाइज, मैंने मॉम के लिए वहां से फुटवेयर ऑर्डर किया था, बेली ऑर्डर की थी, जुत्ती ऑर्डर की थी, इनफैक्ट पंजाबी जुत्ती। तो मुझे काफी अच्छी लगी ये वाली जुत्ती, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मंगा लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात की सेल भी मिल रही थी, तो मैं कैसे जाने देती। तो ये देखिए गाइस, ये है मॉम के लिए जुत्ती, आप देख सकते हो। मैं इसको वेयर करके भी आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं कितना प्यारा सारा यहाँ पे कटवर्क की डिटेलिंग दी हुई है, काफी सुंदर है। सबसे अच्छी बात की ब्लैक है, ब्लैक वेलवेट इसका जो है बेस दिया हुआ है, उसके ऊपर एक कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, कटदाना की वर्क की एम्ब्रॉयडरी दे रखी है ये। एंड इसका ये बेनिफिट है कि आप किसी भी ओकेजन पे किसी भी अपने आउटफिट के साथ इसे पेयर कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक है। और सबसे अच्छी बात इसके बैक पे एंड फ्रंट पे दोनों पे डिजाइनर है, बहुत सुंदर लग रहा था वेयर करने के बाद। इसका जो ये अंदर का सोल है ना गाइज, ये वाला यहाँ पे जो पोर्शन है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा। आप लोग इसे वेयर करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने वेयर किया हुआ, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, लाइट वेट है। सो ये नेक्स्ट परचेज है मेरी, जो कि मेरे डिस्काउंटेड पे मुझे मिल गई थी। ओके, नेक्स्ट मैंने गाइस अब मॉम के लिए मंगाया है, तो पापा के लिए भी जरूर मंगाया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो पापा के लिए मैंने मंगाए हैं शूज, वुडलैंड के शूज मैंने उनके लिए ऑर्डर किए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये है शूज। एक्चुअली थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देते हैं गाइस, बट मैंने पापा के लिए ट्राई किए इस बार। नॉर्मल शूज तो वो पहनते हैं फॉर्मल में, बट इस तरीके के मैंने ऑर्डर किए, आप देख सकते हो। सबसे अच्छी बात गाइस ये देखिए, इसका पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन देख सकते हो आप, और इतने अच्छे है ना, मतलब क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अमेजिंग लगे। हाई एंकल शूज है ये, और आप देख सकते हो लुक देख के आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी कैसी होगी गाइस, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। सबसे अच्छी बात ये मुझे डिस्काउंट पे मिल गया था। सो ये मैंने पापा के लिए शूज ऑर्डर किए थे, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। नो डाउट अगर आप अपने ब्रदर के लिए, अपने पापा के लिए गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो ना, सो आप डेफिनेटली ये वाला जरूर चेकआउट करना, बहुत ही अमेजिंग से शूज है ये। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके बाद गाइज मैंने कुछ शॉपिंग अपने लिए भी की है वहां से। तो सबसे पहले गाइस ये देखिए, इस तरीके की पैकेजिंग मुझे बैग रिसीव हुआ है। मैंने वहां से बैग ऑर्डर किया था अपने लिए, हैंडबैग। मेरा हैंडबैग काफी जो है पुराना हो गया है, काफी ज्यादा फटने लग गया था, तो मैं कहा चलो इसको रीस्टॉक कर लेते हैं। सो ये देखिए, ड्रेसबेरी ब्रांड का मैंने हैंडबैग मंगवाया था नो डाउट। बट गाइज बैग से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, पहले मैं आपको बैग दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ड्रेसबेरी ब्रांड का है, ये कुछ इस तरीके का लुक है। यहाँ पे चेन की डिटेलिंग आ जाएगी गोल्डन कलर में, यानी यहाँ पे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, और कंपार्टमेंट भी काफी मतलब अच्छा खासा स्पेस है इसमें, ये देख सकते हो आप। ये एक कंपार्टमेंट है, एक सेंटर में है, और एक यहाँ पे है। अंदर भी आपको अलग से चेन दी गई है, आपका चिल्लर रखने के लिए, छोटी मोटी चीजें आप उसमें कैरी कर सकते हो, कैश रख सकते हो। यहाँ पे एक अलग से पॉकेट भी दी गई है, यहाँ पे अपना फोन वगैरह कैरी कर सकते हो आप। सो चेन आपको तीनों ही कंपार्टमेंट में अलग से मिलेगी, और पॉकेट भी तीनों कंपार्टमेंट में अलग से मिलेगी, तो काफी अच्छा लगा मुझे इस चीज का। बट गाइज जो रिक्वायरमेंट मेरी है ना बैग के लिए, मेरी थोड़ा सा बड़ा बैग मैं चाहती थी, मुझे थोड़ा छोटा लगा ये बैग। एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना होता है ना, मुझे बहुत सारी चीजें कैरी करनी होती है, तो उस केस में बैग, नो डाउट बैग बहुत ही प्यारा है गाइज। मुझे कलर और इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग लगी है, आपको मैं इसका लिंक डेफिनेटली दे दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे आप जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा है। ये देखिए, इस तरीके से आप कैरी कर सकते हो या हैंड में कैरी कर सकते हो, काफी अच्छा है। बट मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो मैंने इसके लिए एक्सचेंज रिक्वेस्ट डाल दी है। मेरा बैग वो नया आएगा तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगी। तो ये है मेरा बैग ड्रेसबेरी से। उसके बाद गाइज मैंने मॉम के लिए भी कुछ मंगवाया था वहां से। ये देखिए, इस तरह की पैकेजिंग मुझे कुर्ता रिसीव हुआ था, मॉम के लिए कुर्ता हमने ऑर्डर किया था एंड वो कल ही रिसीव हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये कॉटन में है ये कुर्ता, एंड आप इसका नेक देख सकते हो, इस तरह से नेक आ जाएगा।
और ये कुर्ता कलर आप देखो कितना सुंदर है, ब्लैक कुर्ता आ जाएगा, इसमें कोई वर्क नहीं है, प्रिंटेड है, लेकिन कुर्ता बहुत स्मार्ट लग रहा है कलर वाइज। आप देखो इसके साथ आप ये 3/4 स्लीव आ जाएंगी, इसके साथ आप ब्लैक या फिर ग्रीन या फिर बेज या फिर रेड कोई भी बॉटम अप्लाई करके कैरी करके इसको आराम से कंफर्टेबली पहन सकते हो। एंड ये कुर्ता भी आपका फुल लेंथ आ जाएगा, आप देख सकते हो। इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था तो मॉम ने इसे पसंद किया, तो चलो मैं मॉम के लिए ऑर्डर कर लिया। बहुत प्यारा सा कुर्ता है ये, एज यू कैन सी। सो नेक्स्ट परचेज है ये वाली गाइज। उसके बाद गाइज मैंने अपने लिए वहां से ऑर्डर की थी एक जैकेट, तो ये मुझे एक्चुअली आज रिसीव हुई है जैकेट, तो मैं इसके लिए कब से वेट कर रही थी कि मुझे मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने वहां से अपने लिए जैकेट ऑर्डर की थी। एक्चुअली मुझे ग्रीन कलर ना इतना ज्यादा पसंद आया हुआ था कि मुझे ग्रीन ही चाहिए, सो मैंने ये वाला ग्रीन पिक किया। एंड ये ब्रांड है मोंटी कार्लो, एमसी ब्रांड से है ये। एंड ये जैकेट आप देख सकते हो, इसका जो फैब्रिक है ना आपको देखो कितना सॉफ्ट सा, कितना शाइनिंग सा फैब्रिक है। ये वाला फैब्रिक ना मैंने बहुत लोगों को देखा वेयर किया, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एज यू कैन सी गाइस, इस तरह से लुक आ जाएगा इसका, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे कैप भी दी हुई है आपको, उनको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, वेयर करके भी दिखा दूंगी, यहाँ पे साइड पे आपको लुक पता चल जाएगा। एंड इसके अंदर इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है। और जैकेट की क्वालिटी की बात करूँ ना गाइस, इतनी हल्की फुल्की है ना, मतलब पता ही नहीं चल रही है वेयर करके, बहुत ज्यादा हैवी बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, और काफी वार्म भी है और ब्रांड भी अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसका कलर लगा गाइस, मुझे ये कलर बहुत टाइम से चाहिए था तो मैंने इसे बाय कर लिया। सो ये था मेरा छोटा सा मिंत्रा, छोटा नहीं एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा ही है मिंत्रा एंड ऑफ रीजन सेल का। जो भी शॉपिंग मैंने आप की थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया हो। सो सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, जाके जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी बाय करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेल से ही बाय करें देन आप थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मिंत्रा पे सेल आती रहती है। जैसी नेक्स्ट सेल आएगी आप इसको कार्ट में ऐड करके रख लीजिएगा अपने साइज के अकॉर्डिंग, और आप तब बाय कर सकते हो। सो ये था आज का हॉल, आई होप आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में फिर, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।